चली जाती तुम, तुम रात भर पप्पी पुप्पी होगी, आराम कर रही नहीं, आराम कर रही नहीं, आराम के लाने तो तुम बखर हाँ करेंगे तेरे हुलकी को। तुम कहाँ जा रहे हो साधु को भेज? अब हम तो जा रहे हैं, आशीर्वाद ले लो चलती बेर खाए, अब निशान के लिए जा रहा है, आओ नहीं लौट, का बता दे कि लौट पा रहे कि नहीं लौट पा रहे, और हम जा कह रहे हैं हम तो न लौट के ना आवे तो न चुरिए ना फोरी हो का फूटने है का बता दे बे कैसे कहा जा रहा है? अब जा रहा है ऐसे वो हनुमान चालीसा बदरिया के रास्ते रोकन जा रहे हैं, बस हमने आज तक चुखर के नहीं रोक पाई, रास्ता रोकन जा रहे हैं तो हम दूसरे की प्याले तुम चाहो, अबे नहीं मार जान दो तब प्याली हो एक, अगर हम ना लौटे तो एक दो दिन इंतजार करियो, बस तीसरे दिन संतोष लल्ला के संग चली जाओ। किसी दिन किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दानदाताओं से निवेदन है कि कथा सुने और चढ़ौती चढ़ाएं, और चढ़ौती चढ़ाएं तो डायरेक्ट चढ़ाएं, जे बिठूर के बंडा बैठे, जे दलाल बैठे कैंची लाएं, हो डायरेक्ट चढ़ौती चढ़ाएं, जो लोग चढ़ौती नहीं चढ़े उन्हें सवेरे 7:30 बजे से दस्त लगवो चालू, मर जो लोटा टांगे टांगे जो जिज्जी अम्मा चलौती नहीं चले तो मई मठा भौत की मटकियां फूट जे, मठा का भटा भा ले हो। दास में के बीच में दो लगा दे, बीच में पलट दे, बीच में दो आ गए, बीच में पन्ना पलट लो, बड़ा अच्छा प्रसंग आया है, सारक चल रही लड़ाई दत्ता को ब्याह ठसो, लड़ाई दत्ता को ब्याह न करे हो, भावने पर रही पंडित जी परेशान, भी जो ही पतो नहीं पार पा रहा है, को लड़े ने को लड़ाई दत्ता, लड़ाई दत्ता विदा करा के घरे आए, 6 महीने नहीं हो पाए, लड़ाई दत्ता ने मोड़ी मोड़न को ढेर कर दो, तो लड़ाई दत्ता कह रहे का कह रहे, अरे चुम्मा दे दे मेरी जान तेरा भला करे चुम्मा। सो मोनी मोला बोले हो तेरा भला हो, सो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अपने बाप लड़ाई दद्दा से कहने लगे, कहा कहने लगे कि मम्मी पापा करो ना भूल बच्चों को भेजो, बंद करें, आ रहा हो भटा, आ रहा हो चलौती चला, लोग पी रहे बैठे बैठे, आनंद आ रहा हो, आगे चलते हैं, शुद्धता खा के जज्जो माई है, आगे चलते हैं, बास में के बीच में दो लगा दें, बीच में फेंक दे, बीच में तो आ गए, बीच में कृपया पन्ना पलट लो, घंटा घर में रणगन की मीटिंग हुई, पूरे जिला भर के रणगन इकट्ठे भए, भाई मैं बड़े गांव से 2-4 आते जैसे श्रीपाल संतोष लल्ला श्याम करण दद्दू
लड़ुअन ने मीटिंग बनाई कि जिला जालौन में हमें तुम्हें कौन नहीं पूछ रहा, बूढ़े होने लगे, ब्याह की आस ही खत्म। बोले तो का करें, बोले चक्कर छोड़ो एक काम करो। बोले का, बोले लोनिया लंदन से लाए रात भर सुबह। बोले लंदन का जावे की जरूरत अपने तक फूका परगो का। आगे चलते हैं, बात में के बीच में दो लगाते हैं, बीच में पटक दे बीच में तो आगे बीच में मंगल भवन या मंगल हारी दुबे के घर में घुसे तिवारी बारे कारण बड़े बड़े पोथर न लगते धर धरे हमारे मरने के बाद में पांच राम सिया भज बारंबारा राम प्रताप पटेल ने चुखला मारा बारे कारण बड़े बड़े पोथर न लगते धर धरे ले चढ़ावत खेचत गाढ़े बारे कालम बड़े बड़े पोथर ने लिख के धर दे हमारे मरने के बाद पाछे तो कहे कबीर सुनो पलखंडी इज्जत चाहो तो राखो रंडी। पूछ जल पियो जाए श्रम हमें ज्ञान के बल पे अपनी तपस्या के बल पे दिखाई दे रहा है। होत मारण ला बल राम जित है राम न संशय मैं राम रावण में युद्ध चल रहा है जिसका प्रणाम भी दिखाई दे रहा है। राम की विजय होगी रावण की पराजय होगी वो मारा बड़े ऊंचे संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं कह रहे होए महारण रावण रामय जित है राम न संशय मैं। तैसे मुनिराज को प्रणाम कर लेना चाहिए। मुनिराज अंजने पुत्र आपको प्रणाम करता है। अखंड कल्याण बच्चा बड़ा अमूल्य आशीर्वाद आपने दिया मुनिराज। मेरे आशीर्वाद से चौंक गए हो गए मेरी तपस्या इतनी बढ़ गई है हमारा आशीर्वाद भव्य नहीं अब सीधा भव्य होता है। अच्छा मुनिराज खुशी रहो जजमान प्राण रास्ता में छूटे घुटमन के भर चलो दांत बत्ती सौ टूटे। मुनिराज जब मैं आपके आश्रम में आया तो मुझे प्यास लगाई है क्या मुझे जल मिलेगा। मागा जल तही दील कमंडल नहीं अगहाँ थोड़े जल इसमें थोड़ा जल है मुनिराज इससे मेरी तृप्ति हो नहीं सकती। क्यों मुनिराज इतने जल में प्यास नहीं बुझेगी। नहीं तुम्हारा ने तला खोदवाए का हम समझ गए बच्चा क्या अपने ज्ञान के बल पे समझ गए क्या समझ गए कि थोड़े जल में तुम्हारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही। क्यों क्योंकि तुम अदक्ष हो दक्ष नहीं हो अर्थात तुमने किसी का गुरु मंत्र नहीं लिया तुम अदक्ष हो। ठहरो मुनिराज मैंने भगवान भास्कर को अपना गुरु बनाया। तुमने बहुत बड़ी गलती करी जो भास्कर को गुरु बनाया। क्यों भास्कर से तो अच्छो रबड़ भास्कर है दैनिक भास्कर है अमर उजाला है तुम कहाँ फंस गए बच्चा। मुनिराज बच्चा आप जाने क्या सोच रहे हैं मेरा अभिप्राय भगवान सूर से है सूर भगवान ही भास्कर भगवान है। सूर भास्कर अवश्य कोई बात नहीं बच्चा। क्या मुनिराज मेरे आश्रम के पीछे सरोवर है प्यास बुझाओ और दक्षिणा हो तो दे देना ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन सामग्री जरूर लगेगी। क्यों कि मेरे आश्रम पे जो भूल से आ जाता है वो मेरा चेला बन के जाता है वो दक्षिणा हो तो दे देना ना हो तो कोई बात नहीं सामग्री जरूर लगेगी। मुनिराज आप अच्छी शिक्षा देंगे अवश्य ग्रहण करेंगे सामग्री बताएं। सामग्री सुन लो बच्चा
क्या वही लगभग 2.5 किलो मैदा। अच्छा और वही लगभग 1.5 किलो गुड़ और और पाव भर पिस्ता और 100 ग्राम अजवाइन और सौंधी हर और बमूरा की गाल और मुनीराज और छोटी पीपरे और मुनीराज। बस बस जब मैंने श्री भास्कर को अपना गुरु बनाया था भगवान भास्कर को तब ये वस्तु लगी नहीं थी, ये कब से लगने लगी मुनीराज जी? अब ही लगने लगी, करीबन 8 महीना चल रहा हूँ। किसका? पंडितानी को। अच्छा तुम नहीं समझ रहे बच्चा, हम सबों का नंद महाराज है, हमें पन्नतानी के बाल बच्चा होने हमें लड़ंगन को इंतजाम करने जजमान, तुम समझ नहीं रहे कौन बात चलोती चलवा का भटा ले रहे हम। ठीक है मुनिराज, मेरे आसन के पीछे सरोवर है, प्यास बुझाओ, फलों के वृक्ष भूख मिटाओ, कोई मिल जाए तो उससे चैटिंग मत करना, मतलब बातचीत मत करना। क्या नहीं मकरी तब अकला मारी सोधर दिपुतल चली जगम चहिया कबलाए आ गई। मैंने मकरी पर प्रहार किया, देवी तुम्हारा प्रादुर्भाव कैसे? जिसको आप साधु महात्मा समझ रहे हैं, हाँ हाँ मैं बता रही हूँ कौन है। हाँ तेरो बाप है तेरो जब मरवान हो मुनी ना हो निश्चारी को मैं जल पी कर आ गया हूँ, अब कान करो अपनी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। नहीं बच्चा, पहले दक्षिणा नहीं दी जाती है, नियम है कि पहले मंत्र दिया जाता बाद में दक्षिणा दी जाती है। लेकिन मेरे नियम में ऐसा है पहले हम दक्षिणा देते। नहीं बच्चा जी, उल्टा हो जाएगा, हम मेहनत का लेते फ्री फंड का नहीं लेते बच्चा, पहले पहले गुरु मंत्र देंगे, पहले मुनि दक्षिणा ले पाछे हमें गुरमन तुम दे। नहीं बच्चा ये बताओ मुनिराज, मुनि बने फिर रहे हो तुम, इस सर के बाल सेठ दाढ़ी की काली कैसे, ये अचरज क्या? ये अचरज नहीं बच्चा, मेरी 200 वर्ष की उम्र है बच्चा, मेरी जटाएं देखो बच्चा। अच्छा ये तुम्हारी है? अच्छा तुम्हारी है, जय श्री राम। हमारे पारो किस साधु संत को तुमने समाप्त कर दिया है? किस बाबा संत को मार डाला था? सेपुरा का बाबा तो मैं चटका दो। अच्छा संत को समाप्त ही कर दिया केवल भेष बदलने के लिए, तूने ये सारा पाप किया, बिना बिचारे साधु संतों को बिना बिचारे मार दिया। वस्त्रों का प्रत्याग करो, क्योंकि ये वस्त्र संत का है, तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं पाता, इन वस्त्रों का प्रत्याग करो। अच्छा वस्त्रों का प्रत्याग करो,